ये ऑर्डर कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब लेकिन दिवाली आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ मुंह पे बोलो मेरे, हिम्मत है तो हिम्मत है। लेकिन मैं हूँ ब्लॉगर, मैं हूँ ब्लॉगर। यहाँ देखो गाइस ये खत्म हो चुकी है सब। फोन दे। हाँ तो क्या हुआ? मेरे को एकदम से आता है, एकदम से ही होगा। फोन दे, मैं वीडियो बनाऊंगी। अरे जहाँ जाना है वहाँ चली जा। लेकिन ये नहीं, तूने तो मेरी गलती है। वो तो एडिडास से करूँ नहीं बोल पाऊंगा यार। तो गाइज अभी मैं तो सोई नहीं थी, लेटी हुई थी, थोड़ा बहुत कुछ देख रही थी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह कि कल सैटरडे संडे भी है तो कैसे बनानी है मेरे को और गोलू को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चाय और मम्मी भी उठ चुकी है। उधर टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं अभी और बाहर भी इतनी कोई खास धूप है नहीं अभी। मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। सकल से उठ के गुड मॉर्निंग। ये देखो पापा लेके गए थे कपड़े, वो मम्मी संभाल रही है अब। क्या हूँ व्लॉग ऑन होते आपके मुंह पे क्या हो जाता है मम्मी? हैं इतने दिन में संभाल रही है, इतने दिन में अभी तो आए हो परसों। तो भाई फटाफट से पीते हैं चाय और मैं और मम्मी शायद जाएंगे मार्केट के साइड, तो देखते हैं जैसा भी होगा। वैसे मार्केट तो ऐसे कोई खास जाना नहीं है, बट शायद जाना, पता नहीं कौन हल्ला मचा रहा है बाहर। रुको तो गाइज अब मैंने बना दी है चाय, मम्मी और मैं पियेंगे चाय। और मम्मी यार हम कितने सैटरडे से, मैं कितने सैटरडे से सोच रही हूँ कि मीशो से ये ऑर्डर कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब लेकिन दिवाली आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं डेकोरेशन का। और हमारे पास अंदर भी पड़ी है सीनरीज, वो सोच रही हूँ मैं टंगा लेते हैं। मम्मी और गोलू को बोलती हूँ, गोलू अपने रूम में, रूम गोलू के रूम पर तो वॉलपेपर चलेगा नहीं, मैं सोच रही हूँ अपने रूम पर वॉलपेपर की तरह कुछ करा लेती हूँ एक वॉल पे और उसको फिर मैनेज करती हूँ अच्छे से। तो देखते हैं जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी मम्मी जाना है हमने मार्केट, मैं जा रही। हाँ चलो, अभी मम्मी के किडनी में स्टोन भी था तो एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे ही बैठता है एक टेलर है, वो ऐसी मतलब वो समाज सेवा करता है तो वो देता है स्टोन की दवाई जिसको किडनी पे होती है, गॉल ब्लैडर की नहीं देता। तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, शायद वो 2 से 3 दिन बुलाते हैं, अपने पास ही खिलाता है और वहीं पर ही मतलब घर वर के लिए नहीं देता वो। तो फ़ोन करती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को क्या बात है। और यहाँ पे मम्मी ने उबाली थी राजमा की दाल। हाय पूरे मेरे कैमरे में आप आ गया गाइस, रुको। हाँ इसमें मम्मी ने राजमा की दाल उबाली थी और ये मम्मी ने अब क्या करा है आप लोग बताना, ठीक है? मम्मी ये सब चीज क्यों करते हैं बताना जरा, दाल मतलब ऐसे आपने करा पानी करके उबाला खदा लगवाया, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ तो कितनी बारी करना चाहिए ये? जितनी बार झाग निकलता है। अच्छा तो जितनी बार निकलता रहा फिर उसके बाद छोंक दो डायरेक्ट है? और अगर जो उबाल के छोंकता है वो पहले उबालते हुए भी ऐसे करना है? मैं तो उबालते हुए भी ऐसे करते हैं, पहले झाग निकाल देते हैं। अच्छा फिर कैसे भी कर लो, उबाल लो चिट्टी। तो गाइस मम्मी बना रही थी राजमा की दाल और चावल, तो मैंने बोला कि मेरे को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी ये वो। पापा ने बोला था मैंने कि कल बना लियो कल छोंक लियो, तो मम्मी ने पीली दाल चढ़ा दी है अरहर की दाल। तो अब देखते हैं गोलू आएगा तो आज खुश हो जाएगा क्योंकि वो रोज मम्मी को बोलता है दाल चावल बनाओ दाल चावल बनाओ दाल चावल बनाओ। तो मम्मी ने यहाँ पे दोबारा से रख दिया है ये देखो, अब इसमें दोबारा से आएगा वो झाग, तो देखते हैं। और यहाँ पे मम्मी ये वॉश कर रही है हरे पत्तों की सब्जी, मूली के पत्ते हैं। अब मूली का है उधर, मूली उधर है और पत्ते यहाँ हो रहे वॉश। मूली के पराठे बनाएंगे ना सुबह? छी यार अभी इतना मजा नहीं आता मम्मी, सर्दियों में आता है मूली के पराठे खाने का मजा। गाइस घी लगाओ उसके ऊपर या बटर, घी तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट बट बटर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बटर खाओ और चाय के साथ अचार हो, हाँ हाँ स्वाद ही आ जाता है जी। इसको मम्मी बढ़ाना नहीं है क्या बटर से? क्या
घी से नहीं बढ़ता। बाय द वे आई एम जस्ट 58 नाउ, पहले गाइस मेरा 63-64 था एक महीने पहले, एक या दो महीने पहले, अब मेरा 58 हो चुका है। मेरे को अब लग रहा है और कम ना हो गया, हालांकि मैं डाइट नहीं कर रही। मम्मी का तो बहुत ही कम, मम्मी का भी ऐसे हुआ है 5-6 किलो कम हुआ, मेरा भी 5 किलो कम हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं 55-54 तक आ जाऊँ, बस इससे कम नहीं होना। 45 की तो मैं स्कूल में थी तो उससे कम नहीं होना है 45। मम्मी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें मरगिल्ले लगता है, चूसा हुआ आम करना ही पड़ेगा सर। यार तेरे गंदे लग रहे हो ना, करो ना करो ना। आप अंदर क्यों ले रहे हो होट, ऐसे क्यों कर रहे हो? यहाँ देखो जी, यहाँ चल रहा है मैच वर्ल्ड कप, और कल है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का दिल्ली में मैच। गोल को टिकट्स नहीं मिल रही, उसका मैसेज भी आया था मेरे पास कि कोई टिकट है। देखो देखो गाइस ऐसे झाग आ जाए जब, तो आपको ये हटाना है ऐसे करके। मम्मी चलो फिर करो जी अपना काम, हम चले अंदर अपना काम करने। आटा तो नहीं गूंदना है, मुंह पे बोलो मेरे, हिम्मत है तो हिम्मत है तो नहीं करो आप अपना काम। तोड़ दिया गाइस। तो गाइज अभी अभी मैं ऑफिस से, अभी तो नहीं, आधे एक घंटा हो गया मेरे को ऑफिस से आए हुए, और मैं आज ऑफिस से मतलब मैंने सोचा यार चलो घर पे कुछ लेके जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा, इनके तो भाई कुछ खाना ही नहीं है, मैंने पूछा भी ये खाना है वो खाना है, फिर आइसक्रीम मैंने सोचा चलो आइसक्रीम लेकर चलते। फिर मैं आइसक्रीम लेकर, उसमें मम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं खाती आइसक्रीम, फिर मम्मी के लेके आया ये किटकैट। अब मम्मी ने इसके क्या हाथ कर दिया, और हन्नी और मेरे लिए ये है, हन्नी को पसंद है कोला, मैं तो ये खाता हूँ मदर डेरी की, ये है चोको फ्रेस्ट, और हन्नी के लिए है ये कोला आइसक्रीम। तो ये खाएगी अभी, तो ये साफ कर रही है किचन वगैरह, इसने बर्तन धो लिए। किसने खाई है कोला? कोला मदर डेरी की, और अभी ये मोमोज पड़े, लेकिन मैंने खाना खा लिया, तो भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं अभी इन्हें खाने का, लेकिन मेरे को भूख लगती है अभी जब 11:30-11 बज जाएंगे ना, तो उसके बाद मेरे को भूख सी लगती है, तो मैं तब खाऊंगा ये मोमोज। वैसे मैं अभी दो चीज और लेके आया हूँ गाइस, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ, आप जरा ये पकड़ो, आप जरा गाइस से बात करो तब तक थोड़ी। फोन गिर गया ना गाइस से बात नहीं गिरेगा, रुक जा बता रही हूं। दिखा तू आ रही है, रुक जा। अबे यार रुक जाओ गाइस, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, कोई बात नहीं एडजस्टमेंट हो रही है, नहीं हुआ अभी भी। आई मम्मा हाँ आप सही है, चल बोल अब। क्या बोलूं मैं, किचन साफ कर रही हूँ गाइस, क्या करें जब इकलौती लड़की होती है घर में यही होता है, दो बहनें होती है तो एक किचन साफ कर लेती है, एक बर्तन मांज लेती है, लेकिन जब एक ही हो तो एक ही बर्तन धोएगी, एक ही बर्तन मांजेगा, एक ही वो करेगा, एक ही किचन साफ करेगा। सो सैड ना, बस इसी में लगता है कि दो बहनें होनी चाहिए थी, और तो नहीं लगता किसी चीज में। मम्मी दो बहनें करते आप, दो बहनें देते ना। ओह यस ओ यस लाया हूँ मैं, और साथ में लाया हूँ ये पता नहीं क्या है यार, फन फ्लिप्स है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये लाना चाहिए, फन फ्लिप्स पहले खाते थे, और ये ओ यस फन फ्लिप्स का ये नया फ्लेवर आया है सीजनिंग चाइनीज, और ये तो मेरे को बहुत पसंद था तो मैं ये ले आया। ये ओ यस भाई कितना खाता था मैं ओ यस पहले, बहुत ज़्यादा बहुत। हाँ आते हैं क्यों नहीं आते, लेकिन मेरे को ये पसंद है तो मैं ये लाया। कॉकटेल किस किस को पसंद है कॉकटेल बताना जरा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फन फ्लिप्स का पता नहीं कौन सा है, मतलब फन फ्लिप्स पहले तो आते थे येल्लो वेल्लो ऐसे ही आते थे, लेकिन ये भाई कुछ नया निकाला इन्होंने, देखते हैं अच्छा होगा तो ठीक है, वरना साले वो खा ही लेंगे, खाना तो है, क्या होगा क्या दिक्कत है। और हाँ, और अभी यहाँ पे हमने एक एपिसोड तो ख़त्म कर दिया था कपिल शर्मा शो का, दूसरा भी चल रहा है और चलता रहेगा ये। और भाई साहब आजकल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम हमारा टट्टी कर रहा है बहुत ज्यादा, जैसे यूट्यूब कर रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया। और मैं चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब तुम लोग तो शायद इंस्टाग्राम देखते नहीं हो जो यूट्यूब वाली फैमिली होगी, मे भी हो सकता है देखती हो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर लिंक लगाता हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ लिंक कितने क्लिक हुए हैं, क्योंकि भाई आ जाता है डैशबोर्ड में ना उसमें कि कितने लिंक क्लिक करे हैं, भाई सब लोग देख तो लेते हैं 1000 बंदों ने और 13-14 बंदे लिंक क्लिक करते हैं, मैं भाई कितने हरामी लोग हैं, मतलब पता नहीं क्यों नहीं करते, तो पसंद नहीं आता, हर एक की चॉइस अलग है, लेकिन भाई इंस्टाग्राम में आजकल क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब मैं वीडियो डालता हूँ फॉलोअर्स पे वीडियो ही नहीं जा रही है, 3-4 बंदे मतलब
कम से कम 5-6 बंदे आ गए होंगे मेरे पास, इतने नहीं आए, हाँ 5-6 आए होंगे कि भाई आजकल आप वीडियो नहीं डालते क्या होगा। अभी रिसेंटली अभी आधे एक घंटे पहले मेरे पे एक का मैसेज आया कि भाई आप वीडियो नहीं डालते क्या। मैंने कहा हैं, मैंने कहा भाई डालता हूँ, पता नहीं क्या हो गया इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर भी हमें कॉपीराइट आया एक वीडियो में। भाई इंस्टाग्राम पर किसको कॉपीराइट आता है, हमें आ गया लेकिन इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, सब खराब, मतलब सब खराब हो रहा है। और 28,000 फॉलोअर्स होने के बावजूद हमारे इंस्टाग्राम पे 1,000 व्यूज आ रहे हैं एक एक दो दो दिन में और बढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं नहीं उसे इंस्टाग्राम नहीं क्या क्या बोलना चाह रहे हैं नहीं क्या मतलब क्या? इंस्टाग्राम पे हम रुक, वो नहीं बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था तुम? हाँ नहीं कुछ और होता है वो वर्ड, क्या बोल, हाँ इंस्टा का ही कुछ होता है, मतलब रीच रोक दिया, पता नहीं क्या कर दिया इंस्टाग्राम ने, लेकिन हाँ फ्रीज हो गया हमारा अकाउंट, पता नहीं इंस्टाग्राम का 100%। पता है क्या हुआ, सुन यार कैसे बताऊँ, एक तो आज पता क्या हुआ, मैं ना देख रहा, मैं ना ऐसे बैठा हुआ था, थोड़ी देर खाली था, मैंने अपने इंस्टाग्राम खोला, फिर मैंने अपना मेन वाला अकाउंट खोला जो मेरा पर्सनल है, उसमें भाई मैंने खोला ना, पहले हमारे कमेंट आ रहे हैं 12, मैं कमेंट पर क्लिक किया वो कमेंट ही नहीं आ रहे, बस 6 कमेंट, फिर मैंने कमेंट का बंद किया, वीडियो करी तो उसमें 6 कमेंट हो गए 12 की जगह। ग्लिच देख, बहुत बढ़िया, एक लड़की होते हैं दो लड़की। फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला दोबारा से अपना वाला सेम वाले फैमिली, फिर उस पे 12 ही कमेंट। अबे सारे साला गुस्सा है मेरे को बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब दिमाग खराब हो चुका है मेरा, मन कर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा, मैं थप्पड़ पड़ दूंगा, थप्पड़ पड़ दूंगा, यार दिमाग खराब हो गया यार, गाइस क्या करे यार, बताओ ना कुछ, हेल्प करो, किसी को भी बताओ तो हेल्प करो यार प्लीज। अब उसके बाद हम जब आइसक्रीम खाएंगे वो दिखाएंगे, तो उसके बाद जब हम ओएस खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस, ओके मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी अभी हमने सोचा था कि आपको आइसक्रीम खाते हुए दिखाएंगे, लेकिन मैं हूँ ब्लॉगर, यहाँ देखो गाइस ये खत्म हो चुकी है सब कुछ, दोनों खा के खत्म, और लेकिन फिर शुक्र हो मेरे को याद आ गया, नहीं तो मैम तो लगी हुई थी फोन पे, मैम तो फोन पे लगी हुई थी कि भाई कुछ करना भी है, कुछ खाना भी है, अबे भाई कुछ तो दिखा, अगर तेरे को ब्लॉगिंग करनी है, तेरे को बनना है ब्लॉगर, तो देखते हैं हम क्या कर ली तू। मैं भाई मेरा फ़ोन होता ना अगर आईफोन, तो मैं अपने कॉलेज अपने अपने ऑफिस का पूरा दिखाया था आपको, लेकिन भाई साहब यहाँ देखो कुछ आई नहीं, हम भी पूरा दिखा, क्या दिखाती तू, क्या बता रहा हूँ, ये तू बताएगी ना, तेरे हाथ में फोन है कि ये जा रहा है, या मैं बताऊंगा वो भी, ये बढ़िया जी बरकत है, तो अभी तो लिया है ना मैंने, याद दिलाया तब मेरे को निकलना भी होता है ऑफिस के लिए, लेट हो रहा होता हूँ, लेकिन तेरे हाथ में तो फोन ही होता है, फोन 11 तू उठती है 11 बजे मैं चला जाता हूँ, उठा लूंगा। तो भाई अभी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन व्लॉगर दीदी को याद नहीं आया कि दिखाना भी है कुछ, बस ये बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं, शुक्र है मेरे को खाने के बाद आपको ये याद आ गया दिखाना। देखो ये देखो हालात, देखो ये क्या है, क्या है ये, क्या फायदा है इस चीज का, हैं क्या फायदा है इस चीज का, ये बताओ क्यों कर रहे हो आप ये सब चीजें, क्या हो रहा है आपको इस सब चीजों से करके, ये बताओ आप, बहुत गलत है आप, लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे नहीं अभी आपकी, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रैक पे आओ, आपने बहुत ज्यादा अपने बुरे हालात कर दिए लाइफ में, आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है, ट्रैक पे आना सुबह। तो टिपिकल अंकल और आंटी आपके जो बगल वाले और आपके रिश्तेदार ऐसी बातें करते होंगे, तो आपको उन्हें क्या करना है, ये जैसे ये मेरे को इग्नोर कर रही है ना अभी ये की भाई की, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये सच है, कड़वा लग रहा है तुम्हें, तुम काम नहीं कर रहे हो उस पर, करो, गलत है इस चीज में बहुत ज्यादा, सुबह उठ के खुद कैमरा नहीं उठाता, कैमरा कहाँ है हमारे घर पे, फोन कैमरा अलग होता है, फोन अलग होता है यार, एक तो इन्हें चीजें सिखानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो सिखानी है मेरे को अभी, पता नहीं कब सीखेंगे ये लोग, चलो मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे करके, आपको पता है गाइस धीरे धीरे समझ में आ जाएगी इन्हें भी वो चीजें जो मेरे को आती है समझ, ठीक है। और अभी ना यार मेरे कलाई में बड़ा दर्द हो रहा है जब मैं ऐसे करके फोन उठा रहा हूँ, ऐसे करके यूं कर रहा हूँ इस वाले, अब मैं हूँ राइट ही, हमारा तो आजकल ही होता है राइट वाले हैंड से, मेरे को भी दिक्कत है, और कर उल्टा हो जाएगा फिर, हु गाइस ओ भाई फोन छोड़ दियो, फोन बस मेरे हाथ में, फोन छोड़ दियो तू, लूला है क्या, गुना नहीं ना भाई, फिर बोलो कि फोन दे, हां तो क्या हुआ, मेरे को एकदम से आता है, एकदम से ही होगा, फोन दे दे, वीडियो बनानी है, कैसा होता है वो, तो स्क्रिप्टेड है ना भाई, तो ये भी स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड थोड़े ना, तो स्क्रिप्टेड का है ये, फोन मांग रहा है उसके बाद तेरे को जो करना है कर ले भाई, वो एकदम से निकलता ना, उठा मैंने फोन उठाया और मैंने जो बोल दिया, तेरी फोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो उस दिन बुआ और आ रखे थे देखी थी मैंने, सही बड़ी बेकार थी, फायदा क्या है फिर, दो दो फोन से बनाने तो लिया ही क्यों था ये फोन,
ब्लॉगिंग के लिए दिया था तेरा फोन नहीं जबरदस्ती भाई सच बता तो किस्त मैं दे रहा हूँ इसकी सच्चाई है। मैं बोलना चाहता था तुम्हारे सामने कि ये सब चीजें रिवील हो बट द बिगेस्ट रिवील ऑफ दिस हाउस हमारे घर की सच्चाई कड़वा सच हमारे घर का आप जानोगे कि इस घर की EMI और ये घर भी जो है वो मैंने अपने खून पसीने के पैसों से लिया है। ये सब बाहर बोला गया है कि पापा ने लिया है लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो सारा पैसा मेरी तरफ से गया है। ये जो बाल झड़ रहे हैं मेरे ये दिक्कत ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं जो आ रही हैं ये बिकॉज ऑफ कि मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे जो कंधे देख रहे हो शोल्डर अब जो टाइट हो गए हैं जो बिल्कुल मजबूत हो गए क्यों हो गए क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे आ चुकी है। ठीक है गाइस तो आपको भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी जब आप EMI भरोगे घर की जब आप 65 लाख का मकान सॉरी जब आप 65 लाख का मकान लोगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी ना जब आपको EMI भरनी पड़ेगी। माना आपकी सैलरी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए होगी बट आपको घर का खर्चा देखना पड़ेगा ना। 3 बंदे पालने हैं आपको अपने साथ एक 4 खुद हो तुम तो दिक्कत आती है आगे दोस्तों से घूमोगे फिरोगे उनके साथ खाओगे पियोगे वो भी देना पड़ेगा है ना। ये सब चीजें करनी पड़ती है तो भाई ये चीजें इन्हें समझनी चाहिए कि मैं भी मेरे पैसे देने बहुत सारी चीजें हैं लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत है। कौन से पैसे नहीं दिए तेरे को भाई साहब इसे बोला था जहाँ जाना है वहाँ चली जा लेकिन यही नहीं तूने तो मेरी गलती है वो तो चली जा ले ले तेरे को पसंद है। मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा चल गिफ्ट लेने चल ले भाई साफ बात ये है हाँ चल ले चल ले चल ले चल ले भाई ले मैं कह रहा हूँ चल ले किसने बोला एडिडास चलते चल ले नहीं ब्लॉक करूंगी चल जूडियो से ले ले जो तेरे को लेना जा अबे मैं ये कह रहा हूँ ओए जूडियो में कम महंगा है हैं 999 हाँ तो मेरे को पैसे तू दे दे 999 मैं पैसे नहीं दूंगा तेरे को जो खरीदना है वो खरीद तो अपनी मनमर्जी हो गई ये ले भाई भाई और पैसे देते हैं नहीं भाई मेरा रसूल अलग है रसूल अलग है मुझे लेना है पैसे बस और जो मेरे को जो चाहिए होगा मैं ले लूं वो देखते हैं वो तो क्या होगा बट मेरा जो मान ले भाई ले जो मैं कह रहा हूँ वो मान चल क्यों मानूं मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी इधर आओ इधर आओ भाई ये की है कैसे काम कर ले अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गाइस किसी भी चीज में तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपको मैंने आज सच बता दिया है हाथ ना बदल हाथ तोड़ दूंगी क्यों मेरे को एडिट करने में दिक्कत होती है अबे एडिट क्यों करना है सिंपल डाल दियो पूरी वीडियो सब कुछ सही तो चल रहा है इसमें क्या दिक्कत है इससे पहले आगे पीछे कुछ नहीं करना कुछ नहीं क्या करना है वही तो भाई मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि बहुत ज्यादा दिक्कत है अभी मेरे लाइफ में जो मैं इन लोगों को नहीं बताता हूँ लेकिन मैं अब सीधा आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो यार देखो जो बात है ना कि सच में तुम्हें बता ही देता हूँ बहुत दिन हो गया मैं बोलना चाहता था ये चीजें लेकिन मैं बोल नहीं रहा था नहीं बोल पाऊंगा यार चलो भाई बाद में।